वेलकम बैक टू माय चैनल सस्मिता किचन एंड घर घर आना। मैं आज आप लोगों को पोहा की एक बर्फी बनाना दिखाऊंगी, जो कि आप कोई भी फेस्टिवल में बना के खाइए, बहुत ही टेस्टी और अच्छा लगता है देखने में। तो देखिए, इसके लिए चाहिए सामान ये है पोहा। मैं एक कप पोहा ली हूँ, जो चूड़ा भी बोलते हैं और पोहा बोलते हैं, और इसी कप में मैं आधा कप सूजी ली हूँ डरावा। इन दोनों को लेके मैं अभी बनाऊंगी पोहा की बर्फी। इसको पहले हम एक जगह में निकाल देंगे और पानी देके इसे भिगो देंगे 10-15 मिनट के लिए, और इसे छान के अच्छी तरह से एक छन्नी में रख देंगे, जिससे इसका सब पानी निकल जाए। अभी देखिए, एक कढ़ाई में मैं घी डाल रही हूँ, एक चम्मच ऐसा घी डाल रही हूँ, और घी थोड़ा गर्म हो जाए तो इसमें मैं जो सूजी है इसे डाल दूँगी और फ्राई कर दूँगी। थोड़ा सा इसका कच्चा महक चला जाए तब तक इसे हमें फ्राई करना है। देखिए, हो गया है। अभी मैं इसमें वो पोहा जो रखी थी छान के इसे डाल दी, और इसे भी मिक्स कर लेंगे इसके साथ और फ्राई कर लेंगे। और अभी मैं इलायची को पाउडर करके रखी हूँ, इसे भी इसमें डाल दे। आप चाहें तो गुलाब जल भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास गुलाब जल नहीं था तो मैं इलायची डाल दी। और आधा कप में चीनी डाल रही हूँ, इसे भी डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सब चीज़ों को। देखिए, ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो इसमें अभी हम एक कप दूध डालेंगे और मिक्स कर लेंगे दूध डाल के। और जब तक ये थोड़ा ड्राई हो जाए तब तक इसे हमें चलाना है, जैसे कि ये कढ़ाई में और ना लगे, अच्छे से निकल जाए। देखिए, ये हो गया है। अभी मैं इसके ऊपर नारियल डाल रही हूँ, कद्दूकस करके नारियल को, कच्चा नारियल मैं डाल रही हूँ। इससे इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है, अच्छा लगता है खाने के लिए। तो देखिए, ये रेडी हो गया है। इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे अच्छे से। देखिए, ये हो गया। अभी इसे हम थोड़ा सा ही एक प्लेट में निकाल लेंगे। पहले ये एक प्लेट में मैं थोड़ा सा निकाल ली हूँ, इसमें थोड़ा सा फूड कलर में डाल ली हूँ। फूड कलर डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और एक प्लेट में मैं थोड़ा सा घी लगाई हूँ। घी लगा के जो सफ़ेद कलर का है, वाइट कलर का पोहा, उसे इसमें डाल देंगे और फैला देंगे अच्छी तरह से। देखिए, और ऊपर से जो कलर वाला डाले थे उसको भी ला के पोहा को इसके ऊपर फैला देंगे अच्छी तरह से, हाथ से प्रेस करके। देखिए, ये हो गया है। अभी मैं इसे फ्रिज में 1 से 2 घंटे के लिए रख दूंगी, अच्छी तरह से सेट हो जाएगा तो आसानी रहेगी काटने के लिए, नहीं तो टूट जाने का डर रहता है। और देखिए, ये 1 घंटे के बाद मैं निकाल के लाई हूँ फ्रिज से, ये हो गया है, सेट हो गया है। इसे अभी हम पीस पीस कर लेंगे छोटा छोटा। देखिए, ये हो गया है, कितना अच्छा बना है, सॉफ्ट है और डबल कलर है। आप इसे कोई भी फेस्टिवल में बना सकते हैं। और इसके ऊपर मैं अभी थोड़ा सा आलमंड से डेकोरेट कर लूँगी, जैसे कि देखने में अट्रैक्टिव लगे और खाने में ज़्यादा अच्छा लगे। आप चाहें तो कोई भी टूटी फूटी हो या चेरी हो, किसी से भी आप डेकोरेट कर सकते हैं। देखिए, ये बन गया है, और आप इसे फेस्टिवल में, कोई भी फेस्टिवल में बनाइए और खाइए। और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, और कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।